मुंबई के मलाड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नेशनल हॉकी प्लेयर की 2017 में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिस मामले में उनकी पत्नी अमिता छेनंदा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में बड़े ही बारीकी से पूरे मामले की जांच की थी। प्रॉपर्टी मैटर को लेकर यह विवाद बढ़ा था, जिसके बाद अमिता ने अपने पति अयप्पा छेनंदा की हत्या कर दी थी। इस मामले में बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को जेल भेज दिया था। आरोपी की वकील तमन्ना शेख ने बताया कि जब उनके पास यह केस आया तो ये उन्हें काफ़ी टफ और चैलेंजिंग लगा, लेकिन बड़े ही बारीकी के साथ उन्होंने अपने हर तत्व को मैजिस्ट्रेट के सामने रखा, जिसके बाद करीब 5 साल के बाद इस मामले में अमिता को बेल मिल गई है। अपैया छेनंदा जो है नेशनल हॉकी प्लेयर है और उनकी वाइफ है अमिता छेनंदा, जो उनके मर्डर के आरोप में गए 5 साल से जेल के अंदर थे। उसके लिए थ्रू जेल उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया और हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन ये 20 जुलाई को उनको बेल ग्रांट हुई है हाईकोर्ट की तरफ से। जी क्या कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि ये केस आपके लिए एक चैलेंजिंग था, इंटरनेशनल खिलाड़ी था, तो हर जगह से कह सकते हैं कि सपोर्ट था, उसमें किस तरीके से कह सकते हैं कि जीत आपको मिली है? चैलेंजिंग तो था, ये जो बेल एप्लीकेशन था वो सेकंड बेल एप्लीकेशन था। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन 2019 में उनका रिजेक्ट हो चुका है, और उसके बाद ये जो सेकंड बेल एप्लीकेशन फाइल किए थे उसमें दिक्कतें तो बहुत सारी आई है। जो फैक्ट फर्स्ट बेल एप्लीकेशन के वक्त कोर्ट के सामने पुटअप नहीं किए थे वो सब हम लोग ने कोर्ट के सामने किए। दूसरा कि 5 साल से ये ट्रायल चल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, उसका भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसका वहाँ पे हवाला दिया है। और तीसरी बात, उनकी मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो ये सारे कंडीशंस देख के उन्होंने फिर बेल ग्रांट किए 20। क्या कुछ बेल ग्रांट हुआ है और कब तक उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ जाए? अभी आगे का जो प्रोसीजर है, जो कंडीशंस दी गई है तो उसको फुलफिल करना बाकी है, वो एक 10-15 दिन में हो जाएगा और उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सारे फैक्ट अभी कोर्ट के सामने जब एविडेंस अभी लीड हो गए उस वक्त हम हमारे स्ट्रैटेजी से उसको लीड करेंगे, और वो आपको जब ख़त्म हो जाएगा मैटर, एविडेंस कमेंस हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा विषय, कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने रखा और उस पर ये बिल जो है गारंटी? बहुत सारे लूप होल्स थे उसमें, मैं अभी आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो सब कोर्ट की चीज़ है। ऑर्डर कॉपी भी अपलोड हो चुकी है, आप लोगों को चाहिए तो वो वेबसाइट हाईकोर्ट के वेबसाइट से मिल जाएगी, आप लोग रीड कर सकते हो। इस केस को जीतने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ तक भी हम लोगों ने कोशिश की उसको कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह एविडेंस लीड करने के बाद भी हम सोचते हैं कि वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे इस केस से। कटक